नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं प्रोजेक्ट कॉमन सेंस में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो MPPSC 2018 के जो नोटिफिकेशन और उसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उससे रिलेटेड है। अभी तक जो ज्ञात जानकारी के अनुसार लगभग 1,00,000 लोगों ने MPPSC के लिए अप्लाई किया है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 202 सीटें आई हैं और इन सीटों की संख्या कम है, तो ऐसा लग रहा है स्टूडेंट को कि काफ़ी कम सीटें हैं तो वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं। मेरे पास भी कई लोगों की क्वेरी आई जिसमें उन्होंने पूछा कि हम किस एग्ज़ाम पर फोकस करें। इसके अन्य कई भी कारण हैं, जैसे कि अदर स्टेट के जो परीक्षार्थी हैं वो भी फॉर्म भरने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ PSC का फॉर्म जो एग्ज़ाम है वो भी 18 फरवरी को फंसा है। साथ ही साथ जो UP में वैकेंसी है, समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ गई हैं, तो जो समीक्षा अधिकारी के लिए यूपी के लोग समीक्षा अधिकारी को फोकस करने में लग गए हैं, तो इस कारण से परिस्थिति ये बन गई है कि MPPSC में फॉर्म की संख्या अभी तक कम रही है और अगले 7 दिन में ऐसा लग रहा है कि फॉर्म की संख्या मुश्किल से 1,50,000 क्रॉस करेगी। और ये जो 1,50,000 की संख्या है वो पिछले साल की तुलना में 1/3 है, मतलब 1/3 के करीबन है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग साल भर जिन्होंने तैयारी की है और किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या पटवारी एग्ज़ाम में बिजी रहने के कारण फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो उनको मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। तो इसमें एक और रीज़न मैं आपको बता दूं कि MP के जो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका एक रीज़न पटवारी का एग्ज़ाम भी रहा है, क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम 9 दिसंबर से चालू हुआ और लगातार 30 दिसंबर तक चला, और जिसके कारण लोगों की जो PSC की जो तैयारी है उसमें थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साल भर PSC की तैयारी करते रहे और इस टाइम उनका मनोबल थोड़ा गिरा हुआ है, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेरेंट में जो आपकी मध्य प्रदेश PSC की जो 202 सीटें हैं उन 202 सीटों के बढ़ने की पूरी संभावना है। और ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सत्य बात पर बोल रहा हूँ, प्रूफ के आधार पर बोल रहा हूँ कि ये जो 202 सीट हैं वो आपकी 200 से बढ़कर 600 के बीच में कुछ भी हो सकती हैं। अभी हो सकती हैं प्री से पहले, प्रीलिम्स से पहले, या प्रीलिम्स के बाद भी हो सकती हैं, प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आता है उससे पहले। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल नहीं करें के फॉर्म की संख्या को देखकर फॉर्म भरने का निर्णय अगर ले रहे हैं तो ये आपका आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपका लक्ष्य MPPSC है, एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो आप फॉर्म भरें, तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सीटों की संख्या मैक्सिमम 99% चांस हैं कि सीटों की संख्या डबल तो होनी ही है। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करें। जो आपके जो भी मित्र हैं, जो भी और अन्य लोग हैं जो एग्ज़ाम नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें लगता है कि 202 सीट पर कुछ नहीं होगा, तो उन्हें आप समझा सकते हैं, उनसे फॉर्म ज़रूर भरवाएं अगर उन्होंने साल भर तैयारी की है तो। और फॉर्म की संख्या बढ़ेगी, सॉरी जो सीट हैं उनकी संख्या पूरी चांसेज हैं कि बढ़ जाएगी। और ये खबर आपको हो सकता है इसी महीने में, जनवरी में ही आपको ये न्यूज़ मिल जाए कि MPPSC में जो सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। तो प्लीज़ अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म ज़रूर भरें। और साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये बता दूँ कि अगर आप फॉर्म भरते हैं और मध्य प्रदेश के ही आप मूल नागरिक हैं, तो आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि इस बार जो बाहरी प्रदेश के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश PSC में उनका इंटरेस्ट पिछले साल की तुलना में कम है, तो आपको एक बाहरी कंपटीशन से बोल सकते हैं कि जूझना नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, इंटरनल कंपटीशन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप फॉर्म ज़रूर भरें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आज ही फॉर्म भरें। थैंक यू।